तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग फिलिप। और यार आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं द वॉकिंग ज़ॉम्बी 2। तो यार लास्ट वाली वीडियो में यार हमने एल्डर के कहने पे वो फूड के सप्लाईज हम लोग यहाँ अपनी वुडलैंड में लेके आए थे। फिर उसके बाद हमने लीला का मिशन किया था, फिर उसके बाद हमने इसका मिशन किया था, एस का मिशन किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस गंदे का मिशन किया था। तो यार लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया था और यार आज की इस वाली वीडियो में भी हम लोग इन सब का बहुत सारा काम करने वाले हैं। मगर उससे पहले चलते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए अपने लिए, क्योंकि मेरे पास 4000 कॉइन्स तो आ चुके हैं और 10 गोल्ड कॉइन भी हैं। तो यार गाइस ये ट्रेडर तो यार एकदम सारा महंगा महंगा माल बेच रहा है। ये कुछ हीलिंग के बेच रहा है और यहाँ पर ये एक पैन बेच रहा है, लेकिन पैन का मैं क्या ही करूँगा। मुझे यार ये वाली शॉटगन चाहिए, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। और बैकपैक में जाओ इसको बेच दो। तो यार अभी हम लोग जल्दी से अपनी ये वाली बेच देते हैं ये वाली गन, और अब ये ख़तरनाक वाली नई वाली गन बाय कर लेते हैं। तो भाई अभी मैंने तो एक ख़तरनाक वाली गन भी बाय कर ली है और इसकी एमओ भी यही वाली डलती है। मेरे पास इसकी बहुत सारी एमओ भी है और हमारे पास शॉटगन भी आ चुकी है। तो अब यानी कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें ख़तरनाक वाली गन है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में सबसे पहले मिशन हम लोग करने वाले हैं एल्डर चचा का। एल्डर चचा ये देखो, सबसे पहले आपके क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ गिचियाँ हिला रहे हैं। यू मस्ट फाइंड दिस येलो थिंग इन द वॉल्ट एंड ब्रिंग इट टू मी। ओके सर, जाना है ओल्ड हाउस पर। तो ये अभी हम चलते हैं ओल्ड हाउस पर और वहाँ जाके यार इन्होंने कुछ येलो येलो की कोई चीज़ मंगवाई है। आई थिंक गोल्ड मंगवाया, क्योंकि येलो तो गोल्ड ही होता है। हम लोगों को वो ला के एल्डर को देना है, उसके बदले एल्डर हम लोगों को मोटा मोटा माल देगा। और गाइस यार मुझे एक फैक्ट पता चला कि पहली वाली वीडियो में जो हम लोग बच्चे को बचा रहे थे ना, जो बच्चा था वो तो मैं था और जो बंदा बचा रहा था वो एल्डर था। तो यानी कि एल्डर ने हम लोगों को बचाया है। तो यार एल्डर एक काफ़ी अच्छा इंसान है। गाइस अभी यार मैं एल्डर के कहने पर इस मिशन पर आ चुका हूँ और यार यहाँ पर हमारा फ्रैंक भी आया है। तो हम लोगों को आई थिंक यहाँ से कोई बड़ी चीज़ ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले कर जानी हो। तो धड़ाई धड़ मारे जा। ये पास आ लो, ये लो शॉट बेटा, जब भी पास आओगे ना शॉटगन से ही मारूंगा मैं। ओपन द वर्ल्ड यूजिंग द लॉक पिक। ओके हम लोगों को भाई ये क्या क्या बे इतने सारे ऊपर से कहाँ से, ये लो गए सारे। तो अभी हम लोगों को ऊपर जाना है। ओ आराम से ओ अच्छा, हम लोगों को इस वाले वर्ल्ड को खोलना है। एक खोल दिया मैंने। अई हाई ओ फाइनली हमारा लॉक खुल चुका है और वॉल्ट है ये खुल चुका है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। फ्रैंक ऊपर आ चुका है। व्हाट्स इन देयर, व्हाट्स इन देयर वो पूछ रहा है। सम काइंड ऑफ येलो कार्ड। ओके ओ इतने सारे ज़ॉम्बीज। आई विल गो अहेड। तो गाइस अभी यार आई थिंक फ्रैंक कहीं गया है। वो फ्रैंक कहीं जा रहा है और यार काफी सारे ज़ॉम्बीज जो हैं वो आ चुके हैं। टेक द स्टफ, रन बैक टू द कार। ओके अभी हम लोगों को गाड़ी के पास वापसी भागना है। फ्रैंक रुक जा, मैं आ रहा हूँ। फ्रैंक धोखेबाज आदमी। तो गाइस फ्रैंक ने हम लोगों को धोखा दे दिया और फ्रैंक भाग चुके हैं। भाई क्या धोखेबाज बंदा था फ्रैंक। फ्रैंक ने हम लोगों को धोखा दे दिया, वो गाड़ी में बैठ के भाग गया। भाई मुझे भी ले जाता इतना क्या फट्टू आदमी। ज़ॉम्बीज आ गए थे तो भाई ज़ॉम्बीज ने मुझ पर अटैक कर दिया और लो भाई ओए हमारे पे हम लोगों को ज़ॉम्बीज खा रहे हैं। 10 डेज लेटर। फट्टू है यार ये फ्रैंक, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मार डालूंगा। ये कहाँ पर है, मुझे जाके एल्डर से। स्ट्रेंज यार हमारे हाथ पे ये निशान, आई थिंक ज़ॉम्बी ने जो हम लोगों को काटा वाटा होगा ना तो तब हम लोगों के वाले निशान लग गए होंगे। तो यार अभी हम लोगों को फटाफट से घर जाना होगा और वहाँ जाके हम लोगों को बात करनी होगी फ्रैंक से कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है, तो वहाँ से क्यों भाग के आया हम लोगों को वहाँ अकेला छोड़ के। जाके हम लोग एल्डर को बोलते हैं, बताते हैं सारी बातें और फ्रैंक यार हम लोग उससे छतरौर लगवाते हैं। हम लोग घर पे आ चुके हैं और यार यहाँ पर फ्रैंक भी बैठा भाई, ये छोड़ूंगा नहीं। तो यार अभी लीला हमारा इलाज कर रही है। But his wounds are almost healed. Oh. ये तो अच्छी खबर है हमारे लिए। I'll explain everything, but we need to let him rest now. Okay. तो गाइस यार अभी मैं फ्रैंक को फालतू में मैं फ्रैंक को बुरा समझ रहा था। यार फ्रैंक बोल रहा है कि मुझे लगा था कि वो गाड़ी में तक आ जाएगा, ज़ॉम्बीज आ रहे थे इसलिए मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। अब मैं गाड़ी तक पहुंच नहीं पाया तो फ्रैंक ने गाड़ी चला दी और ज़ॉम्बीज ने मुझे पकड़ लिया। मगर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये है कि यार मैं 10 दिन तक वहाँ पर था और ज़ॉम्बीज़ ने मुझे काटा भी,
मगर मैं अब तक जोम्बी में को टर्न नहीं हुआ। तो यार ये बात चली रही थी कि फिर एल्डर आया और फिर एल्डर ने कहा कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इसको थोड़ा बहुत रेस्ट करने दो। अभी हम लोगों को जाना है साइंस लैब पे, और यार मैं आप लोगों को समझाता हूँ रास्ते में बाकी की बातें। तो यार हुआ ये कि जो ये हमारे करेक्टर की जो मदर थी वो एक टेस्ट सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुई थी, जिसकी वजह से ये ज़ोंबी का वायरस है ये उस पर असर नहीं करेगा। सामने मुझे ज़ोंबी दिख रहा, वो भाई ये क्या इतनी बड़ी चीज। बिट सिक्योरिटी लैब, ओ इसको क्या हम तोड़ नहीं सकते। हेलो सर्च द बेस एंट्रेंस, ओके तो अभी हम बड़ा साइंस लैब है भाई। यार मुझे इसके अंदर जाने, देखते हैं इसके अंदर है क्या, इस मिशन में हम लोग जा पाएंगे। अरे यार मिशन कंप्लीट हो गया, मेरे पास 5,000 रुपये आ चुके हैं। लेट्स गो, हम लोग अपनी शॉटगन खरीद सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग अपना बैकपैक खोलते हैं, हमारे पास शॉटगन भी काफ़ी आला वाली आ चुकी है, हमारा लेवल 7 हो चुका है और लेवल 7 का भी रिवॉर्ड क्लेम करते हैं। तो यस, तो भी जल्दी से हम लोगों को यहाँ जाना है और इसको हम लोगों को इक्विप करके हैं यहाँ पर, और हम लोग ये छोटी वाली शॉटगन को जो है बेच देते हैं क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही है। चल बेकार शॉटगन, जा जल्दी। तो गैस अभी यार ये फ्रैंक मुझे बता रहा है कि यार मुझे किसी जगह पे जाके वहाँ से वेस्ट वाटर का कुछ ना कुछ तो करना है, और शूटिंग रेंज पर जाना है हम लोगों को। तो शूटिंग रेंज पे जाके हम लोगों को वहाँ से जो गंदा पानी है ना वो निकालना है। यार ये फ्रैंक को पता नहीं हमेशा शूटिंग रेंज की क्यों पड़ी जाती है, पहला मिशन दिया वो भी शूटिंग रेंज का, फिर मिशन दिया जाके शूटिंग रेंज वो रिपेयर करके आओ, फिर मिशन दिया जाके शूटिंग रेंज को ज़ॉम्बी से क्लियर करो। जाके तो शूटिंग रेंज में ही रह रहा, यहाँ क्यों रह रहा है वुडलैंड सिटी में, अजीब पागल आदमी क्यों छोड़ के आ गया। मैं 10 दिन तक वहीं पड़ा रहा, पता नहीं किसी ने इससे पूछा नहीं कि भाई वो कहाँ है जो तुम्हारा बंदा गया था, एक बंदा गया था तुम्हारे साथ फिलिप नाम का, कितने है नहीं, कोई कोई खैर खबर ही नहीं है भाई, लोग ऐसे मतलब ही है पूछते ही नहीं है किसी के बारे में। अच्छा ये रही अंडरग्राउंड एंट्रेंस, तो चलो अब जल्दी से हम इन सबको हटाते हैं और इस अंडरग्राउंड एंट्रेंस को खोल के हम लोग अंदर घुसते हैं। और चलो भाई हम लोगों को यहाँ से रेडियो एक्टिव निकालना है वाटर जो यहाँ पर आया हुआ है। अब यार मैं अंडरग्राउंड तो आ चुका हूँ और यार यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे, तो सबको मैंने खोपड़ी खोल दी है उनकी। ओ वाओ भाई वाओ, क्या बना रखा है ये, ये क्या है भाई इतना बड़ा, क्या जगह ये क्या बना रखा है फ्रैंक ने। अभी हम लोगों को इसको ओपन करना है और ये खुल चुका है। यहाँ से ज़ॉम्बीज में पता था आने वाले हैं कि तुम लोग अंदर घुसे कैसे, यहाँ पर तो पासवर्ड लगा हुआ है। अभी हम लोगों को ये वाला पासवर्ड भी खोलना है, जल्दी खोलो। ओ अच्छा, अभी हम लोगों को इसको हैक करना है, तो हैक हैक और हैक, यस एक्सेस ग्रांटेड। तो अभी हम लोगों को इसको यूज़ करना है। ओ लो एनर्जी, फाइंड द कंसिस्टर, ओके फाइंड ट्रांसफर द रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो यार पहले हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी लानी पड़ेगी, मशीन में एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पर जाकर ये इसको उठाना है। और चलो हम चलते हैं नीचे वापसी अंडरग्राउंड। मैं यार एक आधा ये यूज़ कर लेता हूँ अपनी बैंडेज वगैरह। ओ तो अभी हमारी हेल्थ थोड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इससे पहले कि मैं मर जाऊं अपने आप को ज़रा हेल्थ रिजन कर देनी चाहिए। करीब आओगे मुंह पे पड़ेगी शॉटगन, नहीं आया करो करीब मेरे। तो अभी हम लोग वापसी आ चुके हैं साइंस बेस में, हम लोगों को यहाँ जाना है, मुझे पता है कि ज़ॉम्बीज होने वाले हैं। तो जल्दी हम लोग यहाँ घूमते घूमते चलते हैं, और यहाँ पे वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं था, अगर हम बोलते कि नहीं है तो होता है, अभी मैंने कहा है तो नहीं है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डाल लें ताकि मशीन में एनर्जी आए, फिर उसके बाद ये जो रेडियो एक्टिव वाटर है उसको यहाँ से भगा दे, चलिए उसको यूज़ करते हैं। और अब फाइनली जो रेडियो एक्टिव वाटर गया नहीं, ओ गया, ओ ये क्या, ये क्या हो रहा है भाई, इतना मुश्किल मिशन करवाया मुझसे, पहले अंदर गया फिर बाहर आया फिर अंदर गया, तो यार बहुत चक्कर लगे मेरे। मैं कम से कम इससे 2,000 रुपये लूँगा, 2,000 वाले सिल्वर वाले कॉइन। फ्रैंक देख ले बहुत मेहनत लगी है, अच्छा माल देना है, अच्छा माल। मैं 2,000 के चक्कर में आया था, ये 250 दे, चल ले लेते हैं यार, सब सारे गरीब है यहाँ पे यार, कोई अमीर तो ना अमीर नहीं, सबसे ज़्यादा अमीर पार्टी में यहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा खाना वाना सबसे ज़्यादा गन्ने। ओ भाई ये ट्रेडर ही मुझसे खुश है, बोलता है इतना बंदा आता है और सारा सामान भेज देता है, अच्छा लगता है। तो अभी हम लोगों को यार ये क्या, इसका कुछ काम होता है, हाँ ये हम लोगों को पावर देता है, अच्छा। तो ट्रंक में कुछ, ट्रंक में भी कुछ नहीं है। ओ भाई साहब हम लोग यहाँ पर और क्या ख़रीद सकते हैं, यहाँ पर स्नाइपर है मगर ये 3, ओ कार 98 के, मतलब पबजी में इसको कार 98 के बोलते थे लेकिन यहाँ पर कार 98 है।
यार ये वाली चीज़ तो मेरे पास है तो ये मैं पागल तो हूँ नहीं कि बाय करूँगा। जल्दी रिफ्रेश कर अपना माल, मुझे कुछ अरे यार मैंने अपने आज कॉइन वेस्ट करके इसको रिफ्रेश करवा दिया और टट्टी माल लेके आया, मुझे कुछ ख़रीदना भी नहीं था। अबे यार मैंने फजूल में ये यूज़ कर लिया, ये कितनी हेल्थ रीजन करता है। वाओ तो अभी हम लोगों को कुछ ले सकते हैं हम लोग, या क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पे पीछे, तो एक काम करते हैं हम लोग इस ना ये सारी बैंडेज बाय कर लेते हैं, क्योंकि यार मैंने अपने 10 गोल्ड कॉइन वेस्ट करके इसको रिफ्रेश करवाया है। जो कुछ है बाय कर लो, पैसे भी ख़त्म हो गए। तो यार गाइस बस यार आज की इस वाली वीडियो का जो एंड है वो हम लोग कर रहे हैं गुर्बत में। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में, और आपको आज की इस वाली वीडियो में मज़ा आया वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।